हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक, ये है नर्सिंग फाउंडेशन का। अभी जो जनवरी 2021 में जो एग्जाम हुआ है, ये वही क्वेश्चन पेपर है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफी वीडियो हेल्पफुल रहे। और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि मेरी वीडियो अपलोड हो, आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये है पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल और एग्जामिनेशन है GNM फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है, एनुअल जनवरी 2021 में। सब्जेक्ट जो रहेगा वो है नर्सिंग फाउंडेशन का। इसमें जो टाइमिंग रहेगी वो है 3 आवर्स की और जिसमें मैक्सिमम मार्क्स है वो है 75 मार्क्स है। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो इसमें डाले गए हैं। अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चन इन सीरियल ऑर्डर, क्लियर। आपको ये सभी जो है क्वेश्चंस करना होगा और इसमें सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा है डिफाइन द फ्लोइंग टर्म्स। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आया है कि फीवर है, फीवर को आपको बताना है। देन इसके बाद जो क्वेश्चन आता है ऑटोक्लेविंग आता है, ऑटोक्लेविंग जो है वो जो है इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताना होगा। देन इसके बाद आता है सी में आता है वाइटल साइन, और इसके बाद जो डी में आता है स्पाइस मैन आता है। देन इसके बाद आता है ई में ब्लड प्रेशर आता है। तो आपको जो है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन जो है टोटल आपके जो है 5 क्वेश्चन है जिसे आपको करना है और ये 10 मार्क्स का है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट डाउन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग्स, क्लियर। तो आपको इनमें से एनी 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। तो ये आपको 4 क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर आपको जो है 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको 5 मार्क्स का होगा। और इसके बाद जो सेकेंड आता है कलेक्शन ऑफ स्पाइसमैन, ये आपका 5 मार्क्स का है। डिस्चार्ज प्लानिंग, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। इसके बाद जो डी में आता है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल, ये आपका 5 मार्क्स का है। टोटल जो आपका है ये 15 मार्क्स का है। कल ही आपके साथ एक वीडियो शेयर की जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बताए थे शॉर्ट नोट, तो उन्हीं में से ही ज्यादातर क्वेश्चन आए हैं। तो आप प्लीज अच्छे से उन्हें जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फीवर, आपको इसके बारे में बताना है कि आपको फीवर के बारे में बताना है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका जो है 5 मार्क्स का होगा। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल बेड, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। सी में इसमें दिया है एक्सप्लेन द साइट्स फॉर टेकिंग पल्स, ये आपका 5 मार्क्स का है। टोटल जो आपका है ये 15 मार्क्स का होगा। देन इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन आता है, इसमें जो दिया गया है राइट डाउन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग, ये जो क्वेश्चन है आपको 20 मार्क्स का जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें जो दिया गया है फर्स्ट दिया गया है गिविंग ओरल मेडिकेशंस, ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताना होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ हजार्ड्स, एंड इसके बाद जो सी में आता है मेंटेनेंस ऑफ यूरिन, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसके बाद आता है इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, इसके बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। ये जो क्वेश्चंस है टोटल आपके जो है इसमें दिए हैं 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और जिसमें से आपको जो है बताना है, अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होगा। ये 20 मार्क्स के होंगे। देन इसके बाद जो 5th क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हैंड वॉशिंग दिया गया है, और इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल आता है, इसके बाद जो सी में आता है बैंडेजिंग आता है, इसके बाद जो आता है डी में हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। ये तो टोटल जो आपके हैं आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और ये 15 मार्क्स का होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जितने भी मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं, जो कल ही हाल ही मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी नर्सिंग फाउंडेशन की, जो कि 5 मार्क्स के जो शॉर्ट नोट थे उन्हीं में से ही आप देख पा रहे हैं कि वही के क्वेश्चन आए हैं। तो आप अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।